हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल पंचांग भेद की वजह से जन्माष्टमी दो दिन 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र कब हैं। वैसे इस साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दो दिन पड़ रही है, 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त 2022 शुक्रवार की रात 10:50 पर खत्म हो जाएगी। वैसे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बाल गोपाल का जन्म रात 12 बजे हुआ था, लिहाजा रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए 18 अगस्त का दिन उत्तम है। वहीं सूर्योदय की दृष्टि से देखें तो 19 अगस्त को पूरे दिन जन्माष्टमी मनेगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में तो 19 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कान्हा का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन खासियत ये कि इस साल 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है। 19 अगस्त को कृत्तिका नक्षत्र देर रात 1:53 तक रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। जन्माष्टमी इस साल बेहद शुभ योग में मनाई जाएगी। कृष्ण के जन्मोत्सव पर वृद्धि और ध्रुव नाम के दो शुभ योग बन रहे हैं। मान्यता है कि वृद्धि योग में बाल गोपाल संग माँ लक्ष्मी स्वरूपा राधा जी की पूजा करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। फिलहाल तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और इसी दिन लोग व्रत रखकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं, मंदिरों और घरों में साज सज्जा की जाती है, पूजा अर्चना होती है और इंतजार किया जाता है बाल गोपाल के जन्म का। टीम जी हिंदुस्तान डिजिटल।